बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्था है। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा, नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।